Hello, welcome to the CEO DG Anla YouTube channel. बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र माने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर्स मेगा सीरीज। पहला प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं। उत्तर, स्वयं अपने में। दूसरा प्रश्न, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। उत्तर, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। तीसरा प्रश्न, अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। उत्तर, ब्रेल लिपि। चौथा प्रश्न, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। उत्तर, प्रक्षेपी विधियों द्वारा। पांचवा प्रश्न, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। उत्तर, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। छठवा प्रश्न, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। पहला, शिक्षक पर। दूसरा, छात्रों की सक्रिय रुचि पर। तीसरा, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर। सातवां प्रश्न, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति के लिए तीन विशेषताएं यहाँ बताया गया है। पहला, शीघ्र पुनःस्मरण। दूसरा, शीघ्र पहचान। तीसरा, अच्छी धारणा। आठवां प्रश्न, अच्छे प्रश्न पत्र में गुण होने चाहिए। जो हम अच्छे प्रश्न पत्र कहते हैं, उसके लिए पहले वैधता, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा वस्तुनिष्ठता का गुण होने चाहिए। नौवां प्रश्न, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेतक है। उत्तर, संवेगों पर नियंत्रण रखना। जो भी संवेग होते हैं, उन पर नियंत्रण रखना ही अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है। दसवां प्रश्न, अच्छे समायोजन की विशेषता है। उत्तर, सहनशीलता। सहनशीलता ही अच्छा समायोजन की विशेषता बताया गया है। ग्यारहवां प्रश्न, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। उत्तर, खेल से। बारहवां प्रश्न, अतीन्द्रिय बालक होते हैं। उत्तर, भावात्मक। जो भावात्मक बालक होते हैं वह अतीन्द्रिय बालक कहलाते हैं। तेरहवां प्रश्न, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने नाम दिया है। उत्तर, बहिर्मुखी। चौदहवां प्रश्न, अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित रहने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। उत्तर, बहिर्मुखी। पंद्रहवां प्रश्न, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंदबुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांतों पर आधारित है। उत्तर, बुद्धि के वितरण। सोलहवां प्रश्न, अधिगम अंतरण के लिए अध्यापकों को करना चाहिए। उत्तर, अधिगम का उपयोग नई समस्या के समाधान के लिए करवाना। सत्रहवां प्रश्न, अधिगम अक्षमताएं डैश बच्चों में भी पाई जाती हैं। उत्तर, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले। अठारहवां प्रश्न, अधिगम अंतरण का थांड्राइक सिद्धांत कहा जाता है। उत्तर, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। अनुरूप तत्वों का सिद्धांत को ही अधिगम अंतरण का थांड्राइक सिद्धांत कहा जाता है। उन्नीसवां प्रश्न, अधिगम आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, क्रिया तथा
पुनर्बलन निहित है। कथन है सोरेनसन का। सोरेनसन ने कहा है, अधिगम आधारित प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्रिया तथा पुनर्बलन निहित है। 20वां प्रश्न, अधिगम आधारित होता है। अधिगम तीन विषयों पर आधारित होता है, एक अभ्यास पर, दूसरा प्रशिक्षण पर, तीसरा अनुभव पर। 21वां प्रश्न, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता। 22वां प्रश्न, अधिगम और प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक संभव होता है जहां तक नवीन व पुराने विषयों में समानता पाई जाती है। उपरोक्त विचार का मुख्य समर्थक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कहा है, अधिगम और प्रशिक्षण का स्थानांतरण उस सीमा तक संभव होता है जहां तक नवीन व पुराने विषयों में समानता पाई जाती है। 23वां प्रश्न, अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत दिया है। उत्तर, हल ने अधिगम का उद्देश्यपूर्ण व्यवहारवाद सिद्धांत दिया है। 24वां प्रश्न, अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। उत्तर, पैट्रिक पावलो जी ने अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। 25वां प्रश्न, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। उत्तर, अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। 26वां प्रश्न, अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है। उत्तर, संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किन्नर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन सिद्धांत। 27वां प्रश्न, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। उत्तर, पावलो अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। 28वां प्रश्न, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। उत्तर, व्यवहार में परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में। 29वां प्रश्न, अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर, आईपी पावलो ने अधिगम का संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत को प्रतिपादित किया। 30वां प्रश्न, अधिगम का सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत किसने दिया? उत्तर, मिलर। 31वां प्रश्न, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। उत्तर, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा ही अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। 32वां प्रश्न, अधिगम के किस कारक को अध्यापक विकसित नहीं कर सकता? उत्तर, परिपक्वता। 33वां प्रश्न, अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? उत्तर, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत में ही प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है। 34वां प्रश्न, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा। उत्तर, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। जो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है वही अधिगम का प्रकरण में अभिप्रेरणा माना जाता है।
35वां प्रश्न, अधिगम के प्रयत्न और भूल सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। उत्तर थॉर्नडाइक। 36वां प्रश्न, अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। उत्तर कार्ल रोजर्स। 37वां प्रश्न, अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। उत्तर अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। 38वां प्रश्न, अधिगम के स्थानांतरण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त परिस्थिति आवश्यक है। उत्तर समान घटक। 39वां प्रश्न, अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाने का उत्तम तरीका है। उत्तर स्वप्रेरणा। स्वप्रेरणा से ही अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बना सकते हैं। 40वां प्रश्न, अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए। उत्तर पुरस्कार। अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कार देना आदि कम से कम काम में लाना चाहिए। 41वां प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। उत्तर लिंग। लिंग कभी अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं बन सकता। 42वां प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। उत्तर परिपक्वता एवं आयु। परिपक्वता एवं आयु अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। 43वां प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं। उत्तर उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता। उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता ये तीन ही अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं। 44वां प्रश्न, अधिगम को प्रभावित नहीं करने वाला कारक है। उत्तर खोज। खोज कभी अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। 45वां प्रश्न, अधिगम क्या नहीं है। उत्तर केवल पढ़ाई। केवल पढ़ाई ही अधिगम नहीं है। 46वां प्रश्न, अधिगम क्या है, सबसे उपयुक्त परिभाषा बताइए। उत्तर व्यवहारगत व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। इसका अर्थ है व्यवहारगत व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यही उत्तम परिभाषा है। अधिगम का उपयुक्त परिभाषा भी यही है। 47वां प्रश्न, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है। उत्तर प्रेरणा। प्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। 48वां प्रश्न, अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं। उत्तर अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा ही अधिगम तक पहुंचाने का राजमार्ग है। 49वां प्रश्न, अधिगम निर्योग्यता। उत्तर एक चर अवस्था है। 50वां प्रश्न, अधिगम निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी का लक्षण है। उत्तर अवधान संबंधी बाधा या विकार। धन्यवाद। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।